हे एवरी वन हरियाणा जुडिशरी एग्जाम टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है सो इन दिस वीडियो विल एनालाइज द मार्क्स ऑफ द टॉपर्स इन टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी में उनके क्या मार्क्स आए थे जिससे कि हमें आइडिया हो जाए कि हमें कितना स्कोर करना चाहिए सो दैट सो दैट वी कैन क्लियर द एग्ज़ाम सो so, अगर मैंने ये चार्ट बनाए हैं ठीक है सब कैटेगरीज़ के टॉपर्स के मार्क्स मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं सो यू कैन सी दैट जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सिलेबस और पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम डिस्कस किया था सो सिविल लॉ वन का एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है टू हंड्रेड मार्क्स का होता है इफ़ यू कैन सी कि जो जनरल कैटेगरी की टॉपर थी ठीक है उसके दो सौ में से एक सौ चौदह मार्क्स उसने वन हंड्रेड फोर्टीन मार्क्स किया है स्कोर्ड इन सिविल लॉ वन और सिविल लॉ टू में उसने वन हंड्रेड सिक्सटीन मार्क्स स्कोर किए थे आउट ऑफ टू हंड्रेड ठीक है क्रिमिनल लॉ का एग्जाम भी 200 का होता है एंड शी इज 91 मार्क्स इन दैट और इंग्लिश सब्जेक्ट जो लैंग्वेज है हमारी उसका subject, उसके उसका भी एग्जाम 200 मार्क्स का होता है जिसमें उसके 120 मार्क्स थे 120.5 और हिंदी का 100 मार्क्स का एग्जाम होता है इन विच शी कोड 42 मार्क्स सो टोटल इन सब्जेक्ट्स के कितने मार्क्स हो गए उसके फोर ठीक है जो हमारे मेंस के मार्क्स हैं ठीक है वो बाद में इंटरव्यू में हो होके देन जो टोटल रिजल्ट है फिर फाइनल रिज़ल्ट आता है ठीक है प्री का एग्जाम सिर्फ आपका अगर आप उसमें प्री में क्लियर करते हो तो वो आपका मेंस में आपका मेंस के लिए क्लियर हो जाता है बट मेंस के एग्ज़ाम आपके इंटरव्यू में ठीक है प्लस होकर देन वो फाइनल रिजल्ट आता है सो so, इसमें उसके टोटल कितने हो गए ठीक है 483.5 फिर इंटरव्यू में उसके आउट ऑफ 200 शी स्कोर 136.25 सो ग्रैंड टोटल कितना हो गया मार्क्स का सिक्स नाइनटीन ठीक है जो टॉपर थी उसके सिक्स नाइनटीन पॉइंट सेवन फाइव मार्क्स ही स्कोरड ठीक है हरियाणा जुडिशरी एग्जाम में जो लास्ट ईयर हुआ था इससे पहले सी आपको पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स स्कोर किए थे और आपको एक मन में टारगेट होना चाहिए हमें यह रहता है कि कितने मार्क्स हमें इंग्लिश में स्कोर करने चाहिए कितने हिंदी में स्कोर करने चाहिए ठीक है ये तो थे टॉपर के मार्क्स बट जो एग्ज़ाम का क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आपको कितने मार्क्स होने चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए उसके अकॉर्डिंग आपको फिफ्टी मार्क्स होने चाहिए आपको टोटल जितने मार्क्स है टोटल का मीनिंग ये क्या है यहाँ पे टोटल मतलब 200 सिविल लॉ वन के 200 सिविल लॉ टू के क्रिमिनल लॉ के 200 इंग्लिश के 200 हिंदी के 100 ठीक है ये कितने हो गए टोटल 900 और विवा वॉइस के इंटरव्यू के मिला के टू हंड्रेड कितने हो गए इलेवन हंड्रेड तो एलेवन हंड्रेड का फिफ्टी परसेंट कितना हो गया फ़ाइव फिफ्टी मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए सो so, uh, जो लास्ट ईयर था फोर्टीन स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी के सिलेक्ट हुए थे और जो लास्ट फोर्टीनथ रैंक जिसका था उसके फाइव फिफ्टी वन मार्क्स थे ठीक है टोटल सो so, uh, वो सिलेक्ट हो गई थी उसके नीचे जितने रैंक थे तो उनके कम मार्क्स थे वो सिलेक्ट नहीं हुआ था सो मिनिमम एलिजिबिलिटी तो कंप्लीट होनी ही चाहिए अदरवाइज आप क्लियर नहीं कर सकते हो नेक्स्ट हम कैटेगरी में देखते हैं ठीक है जो ऐसी कैटेगरी है हरियाणा की उसके टोटल मार्क्स जो इनके थे जो टॉपर थे इस कैटेगरी के ठीक है उसके मार्क्स थे टोटल 533 थर्टी थ्री मार्क्स शी स्कोर सी जर्नल में तो आपको 50 परसेंट होना चाहिए टोटल बट जो कैटेगरीज हैं उसमें आपको सिर्फ़ 45 परसेंट चाहिए ठीक है सो वंस अगेन लेट सी मार्क्स इसमें जो कैटेगरी में थे इसके सिविल लॉ वन में एटी मार्क्स थे आउट ऑफ 200 सिविल लॉ टू में 112 क्रिमिनल लॉ में 91 इंग्लिश में 105 हिंदी में 35 तो 426 इसका स्कोर था और इंटरव्यू में स्कोर्ड वन 107.38 और टोटल कितना हो गया 533.88 ठीक है अब जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आ जाती है बी सी ए कैटेगरी ऑफ हरियाणा ठीक है इसमें जो टॉपर के मार्क्स थे टोटल ग्रैंड टोटल था फाइव थर्टी ठीक है और जो बी सी बी कैटेगरी है इसमें ग्रैंड टोटल था टॉपर का फाइव थर्टी फोर ठीक है ये मैंने आपको टॉपर्स की लिस्ट दी है ठीक है इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना स्कोर करना चाहिए मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी मिस्टेक टू अवॉइड ठीक है फॉर क्लियरिंग द एग्जाम ठीक है हम मिस्टेक्स करते हैं हम लैंग्वेज पे बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं जब हम अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर आ, करते हैं बट आपको लैंग्वेज पर फोकस करना है क्योंकि लैंग्वेज से ही आपके जो मार्क्स हैं वो बूस्ट होंगे और आपको एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेंगे अगर आप लैंग्वेज को प्रैक्टिस नहीं करोगे और आप आ, सिर्फ लॉ पढ़ते रहोगे क्योंकि प्री के लिए हम सिर्फ हमेशा लॉ ही पढ़ते हैं ठीक है प्री में क्योंकि लैंग्वेज नहीं आती हैं तो जब प्री हमारा क्लियर हो जाता है तो मेंस के एग्जाम के लिए हम एकदम से आप नहीं प्रैक्टिस कर सकते हो उसको रिटर्न में सो आपकी अब नोटिफिकेशन आ गई है तो आप लैंग्वेज को भी साथ के साथ ठीक है हर दिन जैसे एक घंटा निकाल लिया तो लैंग्वेज को आपको जरूर प्रैक्टिस करना है उससे ही आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना एग्जाम क्लियर कर सकते होगी ठीक है थैंक यू गाइस आई होप ये आपको वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो फॉर एनी क्वेरीज यू कैन ईमेल मी और डू लीव अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स वो बाय टेक केयर